हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आरटीए ब्रेन्स। तो गाइज, सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उनके एग्जाम्स, AITT एग्जाम्स को लेकर के। तो गाइज देख लीजिए, उन लोग का जैसे कि 2017 सेशन वाले बच्चे हैं, 2016 2015 सेशन या फिर 2000 उसके पहले के जितने भी सेशन के बच्चे हैं, और यदि उनका बैक है, उनका यदि सप्लीमेंट्री एग्जाम रह गया है लाइक ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS, इन सब का एग्जामिनेशन यदि किसी पेपर में उनको फेल है वो, तो फिर उनका एग्जामिनेशन जो है अब ऑफलाइन कराया जा सकता है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आया था तो मैं सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। दूसरी बात है कि यदि आपका ED में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में या प्रैक्टिकल में यदि बैक है, चाहे वो कोई भी सेशन के बच्चे हों, लाइक 2019 सेशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे से लेकर नीचे के जितने भी सेशन हैं, लाइक 2018 सेशन के फर्स्ट ईयर कैंडिडेट, चाहे सेकंड ईयर कैंडिडेट, या फिर 2017 सेशन के सेमेस्टर सिस्टम के, या 2016 सेशन के सेमेस्टर सिस्टम के जितने भी बच्चे हैं, उनका यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में यदि बैक है, तो 13 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है 13 सितंबर से। तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए, कॉलेज जाकर संपर्क कर लीजिए, एडमिट कार्ड वहां से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का 13 सितंबर से एग्जाम चालू हो रहा है। इस पर वीडियो भी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि सेंटर जो है कहाँ बनाया सकता है, तो सेंटर सिर्फ मैं इसका बात कर रहा हूँ, आपका सेमेस्टर वालों का एग्जाम का, ठीक है, सेमेस्टर वालों का जो एग्जाम है उसका बात कर रहा हूँ सेंटर के बारे में। तो गवर्नमेंट ITI जो आपका जिला का है, वहाँ सेंटर बनाया जा सकता है ऑफलाइन एग्जाम, OMR बेस्ड होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या, OMR बेस्ड, जिसमें कि आपको रंगना होता था कलम से, वो वाला सिस्टम जो पहले जो था, उसी तर्ज पर इन लोग का एग्जाम लिया जाएगा। 2020 सेशन और 2019 सेशन, जैसे 2020 सेशन का फर्स्ट ईयर और 2019 सेशन का जो सेकंड ईयर का जो विद्यार्थी है, जिनका अभी एग्जाम उन लोग का नहीं हुआ है, ना फीस पेमेंट हुआ है उन लोग का, ठीक है, CBT एग्जाम के लिए, तो उन लोग का जो है लेफ्ट ओवर होने के बाद, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का जो अभी एग्जाम चल रहा है 2018 सेशन का, या फिर 2019 सेशन का फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट का जो एग्जाम चल रहा है, वो एग्जाम होने के बाद उन लोग का फिर अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में शुरू हो सकता है। और दूसरी बात है कि 2020 सेशन या 2019 सेशन के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, मतलब 2020 सेशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे तथा 2019 सेशन के सेकंड ईयर के बच्चे का 13 सितंबर वाले में ED का एग्जाम नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ED का एग्जामिनेशन आपका अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, 2020 के फर्स्ट ईयर और 2019 के सेकंड ईयर, ओके, आपका अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये पूरा अपडेट है और सारे बच्चों का यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सेंटर जो गवर्नमेंट ITI की जो बात मैं कह रहा हूँ, वो आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम वाले जितने बच्चे हैं उनका कह रहा था, ठीक है। और ED प्रैक्टिकल का जो सेंटर है वो आपका होम सेंटर या तो होगा या गवर्नमेंट ITI में दिया होगा, आपको एडमिट कार्ड में पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर भी लिए होंगे। कैसे डाउनलोड करते हैं एडमिट कार्ड, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए, इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल के अपडेट्स जो ITI जुड़ी हुई दी जाती है, और अदर थिंग्स भी लाइक स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।